गुड मॉर्निंग क्लास 9। कल हमने आपके चैप्टर डाइवर्सिटी में डिस्कस किया था किंगडम फंजाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्लांटी। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोस की बनी होती है। वैक्यूल लार्ज होगा, प्रोमिनेंट होगा और कई बार प्लांट सेल में तो कंपलसरी मिलता है। फूड जो होता है वो यहाँ पर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है या फैट की फॉर्म में रहता है। प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट को फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट इंडेफिनेटली ग्रो करेगा क्योंकि प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। सभी प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन मिलती है जो कवर्ड करती है सेल ऑर्गेनेल्स को, जिन्हें हम कहते हैं प्लास्टिड्स। कुछ प्लास्टिड्स ऐसे भी हैं जो ग्रीन कलर के पिगमेंट शो करते हैं लाइक क्लोरोफिल, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। बॉडी फॉर्म्स जो होंगी वो प्लांट की इरेगुलर होती हैं क्योंकि उनमें ब्रांचेज निकलती हैं। प्लांट किंगडम आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं क्रिप्टोगैमी। इसमें वो प्लांट्स आते हैं जो जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते वेल डेवलप, इनमें एक्सटर्नल फ्लावर या सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। ये जो प्लांट्स हैं इन्हें पावर प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सीडलेस होते हैं और फ्लावरलेस होते हैं। जबकि फेनरोगैम्स में वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, एक्सटर्नल फ्लावर और सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है। अब इसके बाद जो क्रिप्टोगैमी है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक आते हैं जिनमें बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, एक जिसमें होती है। जिसमें बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है वो ब्रायोफाइटा में होता है जिसमें कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, एंड टेरिडोफाइटा जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। फेनरोगैमी में भी आगे चलकर टू डिवीजन्स हैं, जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, एंजियोस्पर्म जिनमें सीड के ऊपर कवरिंग होती है। ये भी टू पार्ट्स में है, मोनोकॉट जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है एंड डाइकॉट जिनमें टू कॉटिलेडन्स होते हैं सीड में। अब इसके बाद क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी में डिफरेंस कि क्रिप्टोगैमी जो है वो सीडलेस प्लांट हैं और प्लांट्स में सीड होते हैं फेनरोगैमी में। क्रिप्टोगैमी में नॉन वस्कुलर प्लांट्स आते हैं, वस्कुलर भी हो सकते हैं, जबकि फेनरोगैम में सिर्फ और सिर्फ वस्कुलर आते हैं। इसमें एक्सटर्नल वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है जबकि यहाँ पर एक्सटर्नल वाटर नहीं चाहिए होता। डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं रूट स्टेम में और कई बार प्रेजेंट नहीं भी होता, जबकि यहाँ पर ये ट्रू रूट स्टेम में डिवाइड रहते हैं। अब आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का सब डिवीज़न है एल्गी, जिसमें प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, कोई रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती। एल्गी अधिकतर मैराइन फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल होते हैं जो कि लैंड पर रहते हैं या नमी वाली जगह पर रहते हैं। यूजुअली इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद बनाएंगे। कुछ एल्गी ऐसी हैं जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को रेड ब्राउन या पर्पल कलर में शो करती हैं। इनमें सेल्युलोज की सेल वॉल होती है इनकी सेल्स पर, वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन सिंपल होगा, सिंगल सेल होगा और इसमें जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो नहीं होता फर्टिलाइजेशन के बाद। इनकी लाइफ साइकिल में गैमिट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड फेज में प्रोड्यूस होते हैं जिसे कहते हैं गैमिटोफिटिक फेज, और ये डोमिनेंट होती है, जबकि डिप्लॉइड फेज शॉर्ट बियरिंग होती है जिसे हम स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सो आज हम इतना करेंगे, कल हम इससे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स। थैंक यू।